जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रेशर को या फिर जिसका एक्सपीरियंस बहुत ही कम है उसको जॉब पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। दोस्तों, इंटरव्यू क्लियर करने के लिए कुछ टेक्निकल नॉलेज भी होना चाहिए। कुछ तो ऐसे सवाल होते हैं जो कि हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, उसमें एक टॉपिक होता है 7QC टूल्स के बारे में। तो दोस्तों, 7QC टूल्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और बहुत ही इजी भाषा में बात करेंगे। मैं हूं जगदीश प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्वालिटी परफेक्ट इंडिया। देखिए, 7QC टूल्स, QC का मतलब होता है क्वालिटी कंट्रोल। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन, जब कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो बनाते समय कुछ इशू होकर के निकलते हैं, क्वालिटी प्रॉब्लम निकलते हैं प्रोडक्ट में या प्रोसेस में। उस प्रॉब्लम को, उस क्वालिटी इशू को रिजॉल्व करने के लिए जो 7 टेक्निक यूज किया जाता है उसी को हम कहते हैं 7QC टूल्स। 7QC टूल्स इज ए क्वालिटी कंट्रोल टूल्स विच यूज टू रिजॉल्व क्वालिटी इशू, यानी क्वालिटी इशू को दूर करने के लिए जो 7 टेक्निक यूज किया जाता है उसे हम 7QC टूल्स कहते हैं। देखिए, 7QC टूल्स को डेवलप 1950 ईस्वी में इशिकावा द्वारा किया गया था। देखिए, एक चीज और मैं बताता हूँ, 7QC टूल्स जो है वह न्यूमेरिकल डाटा पे काम करता है। कहने का मतलब यह है कि CFT टीम के द्वारा प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाता है और उसके बाद इम्प्लीमेंट किया जाता है, यह CFT टीम या कंसर्न बंदा ही करता है। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि 7QC टूल्स जो है कौन कौन सा होते हैं। पहला होता है चेकशीट, दूसरा होता है काउज एंड इफेक्ट डायग्राम, तीसरा होता है स्ट्रेटिफिकेशन, चौथा होता है परेटो डायग्राम, पांचवा होता है हिस्टोग्राम, छठा होता है स्कैटर डायग्राम और सेवेंथ होता है कंट्रोल चार्ट। तो दोस्तों, ये 7QC टूल्स जो है उसको हम एक एक करके समझने वाले हैं और आज जो हम समझेंगे वह है चेकशीट के बारे में। यदि हम इजी भाषा में अगर हम बात करें तो चेकशीट का मतलब होता है डाटा कलेक्शन प्रोसेस, यानी कि जब हम कोई प्रोडक्ट या प्रोसेस का डाटा लेते हैं तो उसे हम चेकशीट कहते हैं। देखिए, यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, यदि कोई पार्ट में या कोई प्रोडक्ट में अगर प्रॉब्लम आती है तो आप अपने सीनियर से डिस्कस करते हैं कि सर, इस प्रोडक्ट में यह सब बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है। तो दोस्तों, सीनियर जो है इस तरह से रिजॉल्व करने का कोई तरीका नहीं बताएगा, वह सबसे पहले बात करेगा कि आप इसका डाटा लेकर के आइए कि कौन सा प्रॉब्लम किस दिन कब कब आया है। कहने का मतलब यह है कि बिना डाटा बेस पे कोई भी सीनियर बात नहीं करता है। आप डाटा कलेक्शन करके ले जाइएगा तभी वह आपको रिजॉल्व करने का तरीका बताएगा, क्वालिटी प्रॉब्लम को दूर करने का रास्ता बताएगा। तो फिर चेकशीट क्या है? चेकशीट इज ए प्रोसेस ऑफ इजी डाटा कलेक्शन टू एनालाइज द फैक्ट। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं चेकशीट के बेनिफिट के बारे में। देखिए, चेकशीट बेनिफिट के बारे में इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि चेकशीट का बेनिफिट क्या होता है। तो देखिए, इसके दो बेनिफिट है। एक तो होता है कि प्रॉब्लम का सोर्स पता चल जाता है कि कौन सा प्रॉब्लम किस पार्ट में आ रहा है, और दूसरा फायदा ये होता है कि हम उस पर डिसीजन ले सकते हैं। तो दो बेनिफिट हो गए, एक तो होता है कि चेकशीट यूज टू डिटरमाइन द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम और दूसरा होता है कि इट इज यूज फॉर डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन टेकन फ्रॉम डाटा। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि एक उदाहरण लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि चेकशीट होता क्या है और कैसे लिया जाता है। देखिए, कभी भी डाटा लेने के लिए एक फॉर्मेट होना जरूरी है। इस फॉर्मेट को कैसे बनाया जाता है, आइए देखिए। सबसे पहले तो आप सबसे ऊपर में कंपनी का जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उसमें उसका नाम लिख लीजिए, लेफ्ट साइड में उसका लोगो रहना चाहिए और कुछ वो जिसका आप लेने जा रहे हैं डाटा उसका इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जैसे कि पार्ट नेम, पार्ट नंबर, प्रोसेस का नाम, चेकिंग मेथड यानी कि आपको वर्नियर ले रहे हैं या विजुअल देख रहे हैं या फिर माइक्रोमीटर से चेक कर रहे हैं, उसके बाद शिफ्ट ले सकते हैं और किसको रिपोर्ट कर रहे हैं उसका भी नाम आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। और उसके बाद डेट लिखिए। आइए अब प्रैक्टिकली एक हम पार्ट लेकर के आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यह एक पार्ट है, प्लास्टिक पार्ट, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसका हमने डाटा लेना है। देखिए, हमने पार्ट नेम में ABCD लिखा है, आप अपने हिसाब से जो भी पार्ट का नाम है उसको लिखिए, पार्ट नंबर लिखिए और प्रोसेस का है हमने लिखा है, फाइनल इंस्पेक्शन लिखा है जिसमें विजुअली हम चेक कर रहे हैं और शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट है। देखिए, यहाँ पे जो हमने प्रॉब्लम फेस किया है वो है डस्ट, फ्लैश, स्क्रैच, डेंट, इस तरह से ये प्रॉब्लम है। अगर डेट की बात करें तो 1 से लेकर 6 तारीख तक हमने लिया है। अब आइए देखिए, डस्ट 1 तारीख को 8 पीस मिला है,
फ्लैश एक पीस मिला है, स्क्रैचेस दो पीस मिला है, डेंट जो है एक पीस मिला है। इसी तरह से 2 तारीख को डस्ट 3, फ्लैश 0, स्क्रैचेस 1, डेंट 0। 3 तारीख को डस्ट 5, फ्लैश 3, स्क्रैचेस 3, डेंट 0। 4 तारीख को हमने लिया है डस्ट 3, फ्लैश 0, स्क्रैचेस 2, डेंट 1। 5 तारीख को हमने लिया है डस्ट 5, फ्लैश जो है 1, स्क्रैचेस 1, डेंट 3। और 6 तारीख को आपका डस्ट 7 है, फ्लैश 1 है, स्क्रैचेस 3 है और डेंट जो है 1 है। और नीचे में आप नंबर पार्ट इंस्पेक्शन का भी लिख सकते हैं कि कितने पार्ट आपने चेक किया है। यदि आप इसको टोटल करते हैं तो देखिए डस्ट 1 को 8, 2 को 3, 3 को 5 और 4 को 3, 5 को 5 और 6 को 7। इस तरह से अगर हम टोटल करते हैं तो यह 31 यानी 31 आ रहा है। फ्लैश इसी तरह से आप टोटल करेंगे तो 6 आ रहा है, स्क्रैचेस 12 है और डेंट जो है 6 है। तो दोस्तों इस टेबल से, इस डाटा से हमें क्या पता चलता है? इस डाटा से हमें यह पता चलता है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं वह डस्ट का है 31 नंबर, उसके बाद स्क्रैचेस का है 12 नंबर। कहने का मतलब यह है कि यदि आपका सीनियर यह देखता है तो सबसे पहले वह सजेशन करेगा कि डस्ट पे काम करो, यानी कि डस्ट का प्रॉब्लम दूर करना है, उसके बाद स्क्रैच पे, उसके बाद धीरे धीरे सब प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा। तो दोस्तों आज मैंने समझाने की कोशिश किया कि 7QC टूल्स का जो पहला टूल है वह है चेकशीट। चेकशीट किसे कहते हैं, चेकशीट का बेनिफिट क्या होता है और चेकशीट हम किस तरह से डाटा कलेक्शन करते हैं, यह सब चीज़ मैंने बहुत ही इजी भाषा में समझाने की कोशिश किया। आशा करता हूं कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा बारे में हम बात करेंगे, तब तक हमें इजाज़त दीजिए और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।